रामायण की कहानी। आखिर क्यों, आखिर क्यों लक्ष्मण जी 14 साल सोए रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों, क्या कारण था कि लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए। रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी केकई को उनकी दासी मंत्रा ने खूब भड़काया। मंत्रा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद केकई ने राजा दशरथ से दो वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वे बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं, तब उनको ये होता है कि वो कहां पर विश्राम करें। तब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निंद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निंद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को ले लेनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निंद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावन समारोह से उठकर बाहर चली जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको रामायण की यह लुप्त कहानी कि लक्ष्मण जी 14 साल तक क्यों नहीं सोए, इसके पीछे क्या कारण था, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।